हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूँ बीएससी के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की। पहली चीज याद रखिए, इस चैप्टर में एलपीजी पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कट चुकी है, तो उसको मत पढ़िएगा। पढ़ने से पहले सीबीएसई का सिलेबस एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। cbse.nic की वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग साल भर जानते होंगे, लेकिन एक बार बताना मेरा फर्ज था, तो इसीलिए याद से इस चैप्टर में एलपीजी पॉलिसी को मत पढ़ के जाइएगा। उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो कट चुका है। आगे देखिए बच्चा, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग इन विच वी सर्वाइव। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस जिस सराउंडिंग में सर्वाइव कर रहा है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं। क्लियर है बात? हम इसमें बात करेंगे बिजनेस एनवायरमेंट में। किसमें बात करेंगे? इन सब चीजों की। बिजनेस एनवायरमेंट बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, तो ध्यान से पढ़ के चलिएगा। अगर मैं हम बेसिकली उन सभी फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जहां पर बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, बिजनेस की जो सराउंडिंग है, जो बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से, द एनवायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड द इफेक्ट। आ गई बात? जो है सभी चीजें या वह सभी कंडीशन जिनसे बिजनेस सराउंड है, घिरा हुआ है, और इसका बिजनेस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है। कोई डाउट है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन। बिजनेस एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर एलिमेंट, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे आपने पढ़ी थी 11th क्लास की बीएससी, याद है? अगर कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव के लिए है तो वह आती है इकोनॉमिक में, और अगर कोई सोशल वेलफेयर हो रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, तो वह आता है नॉन इकोनॉमिक में। तो सेम उसी के बेसिस पर हम दो क्राइटेरिया हैं जिनके बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं। फिर आती है बात बच्चा इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जरा बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट इज एसेंशियल बिकॉज इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर। अगर आपने चीजों को अच्छे से एनालाइज किया, चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, तो आप उस फील्ड में फर्स्ट मूवर होने का एडवांटेज उठा सकते हैं। आज से 8 साल पहले अगर हम जाएं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप घर बैठे इतनी ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं? हम लोग शॉपिंग की बात आती है तो सीधा मार्केट इमेजिन करते थे, पर आज शॉपिंग करनी है यार, चलो जल्दी से मिंत्रा खोलते हैं, देखते हैं ना, चुटकियों में हमारे पास है, हम विश्वास करते हैं। ये ई मार्केट, ई कॉमर्स पर फर्स्ट मूवर जो था, उसने इस चीज को समझा या नहीं समझा? उसने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, हाँ या ना? जैसे एक समय सबसे पहले स्नैपडील के बहुत ज्यादा एड्स आते थे, या स्नैपडील बहुत चलता था, पर अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब किसने एक्वायर कर लिया? अमेजोन ने। उसकी सर्विस अच्छी है, कस्टमर ट्रस्ट है, इजिली रिटर्न, इजिली डिलीवर, सीओडी बहुत ज्यादा जगहों पर देता है, बहुत फास्ट डिलीवरी देता है। तो अब कस्टमर किस पे प्रेफर करना है? अमेजोन पे। आपको चीजों को एनालाइज करना है एनवायरमेंट में आने वाली, और फिर आप उसमें फर्स्ट मूवर होने का एडवांटेज उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा? हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। साथ ही साथ अगर आपने बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन किया है, तो आपको ये अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि कोई भी आने वाली समस्या के लिए पहले से ही सचेत कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेदर का काम करते हैं और लेदर बेस्ड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो और ऐसे में योगी जी पीएम बन जाएं और उनकी बुद्धि ठनके और उन्होंने कह दिया कि आज से भारत में चमड़े का काम ही बंद हो जाएगा, सपोज की बात करो, इमेजिन करो, तो अब आप लोगों के लिए इमीडिएटली बंद हो गया, तो कितना बड़ा नुकसान होगा जो लेदर व्यापारी है या नहीं? पर अगर वो बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, उन्हें समझ आया कि यार योगी पीएम बन सकता है या बनने वाला है, अब आपने समय रहते अपने बिजनेस को लेदर से सिंथेटिक लेदर या आर्टिफिशियल लेदर पे स्विच करना शुरू कर दिया है, तो आपने स्कैन कर लिया एनवायरमेंट को, तो आपको उस डिसीजन से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली मार्केट में आने वाले चेंजेस को ग्रास्प कर लेंगे। एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम कराया नहीं करा इसने। आगे देखो फिर, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। साथ ही साथ बच्चा, ये आपको हेल्प करता है
नई नई रिसोर्स को असेंबल करने में और एक्वायर करने में, फिर हेल्प टू एडजस्ट एंड एडेप्ट द रैपिड चेंज, मार्केट में आने वाले रैपिड चेंजेस को आप इजीली एडेप्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, कब, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा हो तो। फिर 6 पॉइंट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, साथ ही साथ अगर आप इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट की बात करें, नॉन इकोनॉमिकल, इन सभी को स्कैन करते चल रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसीज को बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप डील कर रहे हैं शूज में और गवर्नमेंट ने शूज पर ड्यूटी बढ़ा दी, तो ऐसे में आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? पर आपने सोचा कि यार शू में ड्यूटी बढ़ने वाली है, आपने साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट की दूसरी ब्रांच एक कोई लॉन्च कर दी जिसमें आप लेदर बैग्स में डील करने लगे अब शूज की जगह, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट को स्कैन करते चल रहे थे, एनवायरमेंट को स्कैन करते चल रहे थे, तो साथ ही साथ ये आपकी इंप्रूवमेंट करेगा किसमें, परफॉर्मेंस में। अब अगर मैं बात करूं बच्चा डायमेंशंस की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, ये सभी जब भी कोई पैसे से रिलेटेड चेंज आ रहा हो, कैसा चेंज आ रहा हो बच्चा, पैसे से रिलेटेड, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। मनी से रिलेटेड कोई चेंज हो, मोनेटेरियल चेंज हो, आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो, इन सभी से याद रखना कौन सा डिसीजन होगा, इकोनॉमिक डिसीजन। हो सकता है आपको एक केस स्टडी दे और उसमें 4-5 फैक्टर्स को बताए तो आपको पहचान में आना चाहिए। मैं बहुत साधारण भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में आपको क्लियर कर रहा हूं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब जहां पर मनी, मुद्रा, मॉनेटरी से रिलेटेड चीजें आ जाए तो वह कहलाता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। फिर सोशल एनवायरनमेंट, जो सोशल वेलफेयर के लिए हो, सोशल जस्टिस के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि आज से पॉलीबैग बैन हो जाएंगी क्योंकि ये एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, इन्वायरमेंट के लिए है ना, इसीलिए बैन की गई, मतलब सोशल इन्वायरमेंट काम कर रहा है। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, तो जैसे एक दिन अमित शाह जी उठे और कहते हैं आज से 370 हट जाएगी कश्मीर में, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, कोई भी पार्टी, पक्ष, विपक्ष, स्टेट, कहीं की भी कोई पार्टी अगर कोई डिसीजन लेती है या कोई चेंज आता है पॉलिटिक्स में, पार्टी में चेंज आने के कारण, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और अगर कहीं कोई बच्चा, याद रखना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी का नाम जुड़ जाए या कोई जुडिशियल कमेटी का नाम जुड़ जाए तो वो कहलाएगा लीगल इन्वायरमेंट। क्या कहलाएगा बच्चा? लीगल इन्वायरमेंट। फिर हमारे पास आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बच्चे टेक्नोलॉजी में चेंज आने से अगर आपके बिजनेस में कोई प्रभाव पड़ रहा है, मान लो एक एग्जाम्पल बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीबैग बंद कर दी। अब जो पॉलीबैग व्यापारी थे वो तो बेचारे परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप पेपर बैग बनाइए या जूट बैग बनाइए। अब जूट बैग बनाने की जो मशीन थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि हम जूट बैग बनाने वाली मशीनों पर 25-30% की सब्सिडी देंगे। तो अब यहां पर क्या देखो, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, लीगल चेंजेस आए ना, लीगल इन्वायरमेंट वर्क किया, सोशल वेलफेयर के लिए आया क्योंकि इन्वायरमेंट के हम के लिए पॉलीबैग बन हुई है, तो सोशल वेलफेयर, सोशल इन्वायरमेंट भी लगा या नहीं लगा, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम सब्सिडी देंगे, मतलब पॉलिटिकल भी आ गया, नहीं आ गया, और सब्सिडी की बात है तो इकोनॉमिकल भी जुड़ गया। क्लियर है? चीज को पढ़ते चलिएगा। इसके बाद बच्चा आपको आगे पर समझना है डिमोनेटाइजेशन, इस चैप्टर में सिलेबस में देखिएगा सेपरेटली बताया है, तो आपको याद होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर सन 2016 को रात में 8 बजे मोदी जी टीवी पे आए और कहते हैं मित्रों आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। ये डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा कारण था। फिर बता रहा हूं, अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी है तो आपको पता भी होगा कि डिमोनेटाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था फेक मनी को रोकना। लोग कहते हैं ब्लैक मनी पर नहीं, ब्लैक मनी इज द सेकेंडरी पर्पस, फर्स्ट पर्पस था फेक मनी को रोकना। जो हमारे पुराने बड़े नोट चल रहे थे वो आतंकवादी संगठनों ने उनकी मशीनें कह लीजिए उनको सेम प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ खोज लिया था, जिससे अगर कोई टेररिस्ट को उन्हें पेमेंट करनी होती थी तो वो नकली नोटों में पेमेंट करते थे और वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन रहे थे। क्लियर है? फिर आगे बात करें बच्चा, तो पहली चीज नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवेजन, इसके पीछे का पहला कारण क्या था कि जो भी टैक्स एवेड कर रहे हैं उनका काला पैसा बर्बाद हो जाए। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंस, और साथ ही साथ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग है
क्या कह रहा है बच्चा देखिए, डीमोनेटाइजेशन लीड्स टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एज मच एज ऑफ द कैश डिपॉजिट ऑफ पीपल एक्सचेंज विल बी ऑफर्ड फ्रॉम लोन अंडर न्यू स्कीम। क्या कहा गया, लोगों के अंदर एक हैबिट डेवलप्ड हो, जो पैसा वो अभी घर में रख रहे हैं उसको बैंकों में सेव करें, जिससे लोग मार्केट में लोन ले सके, बैंक लोन के रूप में उस पैसे को चैनलाइज कर सके। फोर्थ पॉइंट हमसे कह रहा है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। मोदी जी का बहुत पुराना अभियान कि हमें कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, डिजिटल इकोनॉमी बनानी है, उसी के इनिशिएटिव में तो एक यूपीआई आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वर्ल्ड में भी आज बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूपीआई को अडॉप्ट कर रही है या नहीं? अब आपको पैसा रखने की जरूरत नहीं। मैं बताऊं, मैं एक बार पेट्रोल पंप पे गया, मैंने पेट्रोल डला लिया, टैंक फुल करा लिया अपनी गाड़ी का, पता चला मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं, पर थैंक्स टू पेटीएम मैंने फटाक से स्कैन किया और पे कर दिया, नहीं तो उस दिन तो लगा था आज भाई साहब ये रोक लेगा, है नहीं? तो एक से सिचुएशन में भी कभी कभी हमें बचाने का काम करता है। क्या कह रहा है, दे रिक्वायर सेल फोन फॉर कस्टमर एंड POS मशीन फॉर बिजनेसमैन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी। इससे क्या होगा, काफी सारे फैक्टर्स पर वर्क होगा, लोग स्मार्टफोन को यूज करना सीखेंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, जिसमें बात करूंगा प्लानिंग की। वन शॉट सीरीज में अगर मजा आ रहा है, चीजें कोई कॉन्सेप्ट क्विकली रिकैप हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग पूरी वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं बहुत सारा डेटा एनालाइज कर रहा हूँ अपना यूट्यूब का, तो उसमें मुझे ये चीज़ दिख रही है कि 80-78% जो वॉच टाइम है वो नॉट सब्सक्राइब यूजर्स का है। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ दिन रात, अपना बैचेस के बाद सेपरेटली बंद पंखे बंद एसी में, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आ सके, आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, पढ़ा रहे हैं, और आप लोग एक लाइक और एक शेयर भी नहीं कर रहे, एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कैसे मजा आएगी? एक मोटिवेशन के दबा दो सब्सक्राइब का बटन, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, पूर्णा।